समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छठे चरण की वोटिंग के बीच अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर छापेमारी कर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष लालजी वर्मा के घर का वीडियो शेयर किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस की टीम दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और इसे हार की हताशा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईमानदार छवि के नेता की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में सपा प्रत्याशी पुलिसकर्मियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सपा के जीत रहे अम्बेडकर नगर से प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा के घर पर पुलिस भेजकर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को ना कुछ मिलना था और ना मिला। ये लालजी वर्मा जी की ईमानदार छवि को धूमिल करने का कुकृत्य है, जो घोर निंदनीय है। ये हार तो ही भाजपा की हताशा है। वीडियो में एक शख्स कहता दिख रहा है कि पुलिस वाले दीवार फांद कर घर में घुसे हैं। वहीं सपा उम्मीदवार लालजी वर्मा ने प्रशासनिक अमले पर उन्हें परेशान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इसका जवाब लोग अपने वोट से देंगे। लालजी वर्मा ने कहा, अम्बेडकर नगर का पूरा प्रशासनिक अमला मुझे प्रताड़ित कर रहा है, जिसका जवाब अम्बेडकर नगर की समस्त जनता उन्हें वोट से देगी। सपा नेता ने कहा, मुझे चाहे जितना प्रताड़ित किया जाए, लेकिन पिछड़े दलितों अल्पसंख्यक की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं बूथ अध्यक्षों से अपील करता हूँ कि आप सभी अपने बूथ पर मुस्तैदी से वोट पड़वाएं। सुबह से सर्व समाज का, खासकर दलित समाज का मुझे जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी अपने बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़वाएं और बिना किसी भय के बूथ पर डटे रहें।